नमस्कार, यूवीएन 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए यूवीएन 08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। देखते रहिए यूवीएन 08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। खाशो तहसील के ग्राम भीकमपुर में सुबह से ही भक्तों का आना जाना देखने को मिला। 15 वर्ष से प्रतिवर्ष भक्तों का तांता लगा रहता है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। ग्रामीणजनों का कहना है कि सुबह 4 बजे से ही भक्तजनों का आना जाना शुरू है। पूरे दिन बड़ी संख्या में भक्त यहां मौजूद रहते हैं। महिलाओं द्वारा मंदिर प्रांगण में भजन संध्या एवं भजन का आयोजन किया जाता है। ग्रामीणों द्वारा आसपास के आए सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण की जाती है। मंदिर समिति द्वारा पूरी व्यवस्था भी की जाती है। खाशो से जितेंद्र सेन के साथ कैमरामैन दुर्गा शंकर परमार की रिपोर्ट। अरे इतनी देर नहीं लगती, दर्शन में जल्दी आ जाओ थोड़ा। बोले बाबा महान काल की। आज भीकमपुर नगरी में बाबा महाकाल के सुबह से दर्शन है, तो इसमें आप प्रत्यक्ष आप क्या कहना चाहते हो? जय हो हमारे नागदा नगर को। नगरी में सुबह से भक्तों का आना जाना है, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हो? ये बड़े सौभाग्य की बात है, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और हमारे ही शहर के पास में नागदा नगर से है। अति प्राचीन जो सम्राट विक्रमादित्य की जन्मस्थली है, वहाँ पर उनके द्वारा पूजित और अभिषेक किया हुआ एक बाबा शिवलिंग व्रत महाकालेश्वर मंदिर है। पिछले 10-12-15 वर्षों से यहाँ पर प्रतिवर्ष भक्तों का तांता लगा रहता है। मेरा बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि जितने भक्त उनके शरण में आए, उन सबके मनोकामनाएं पूर्ण करें और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर सभी भक्तजन मनोकामनाएं जो बाबा महाकाल के निमित्त उन्होंने सेवा की है, उन सबकी मनोकामनाएं।